अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं, आपको वेलकम करता हूं हमारे सेकंड सेशन में, चैरिटी एंड हेल्पिंग पीपल, चैरिटी के ताल्लुक से और लोगों को हेल्प करने के ताल्लुक से। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबके सामने कुछ अहम बातें। सबसे पहले ये हमारे ब्रदर सैफ सुल्तान इस टॉपिक को कवर करने वाले थे, लेकिन एक इमरजेंसी की वजह से वो इस टॉपिक को नहीं कवर कर पा रहे हैं आज। ही इज़ नॉट विद अस, वो किसी एक अच्छे काम में बहुत ही अनअवॉइडेबल सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं। कुछ मिनटों पहले ही मुझे इन्फॉर्म किया गया और मैं ये टॉपिक कवर कर रहा हूँ, आपके सामने मैं चंद बातें शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी कंट्री आज एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से गुजर रही है। क्यों? जो लॉकडाउन अनाउंस हुआ, ये लॉकडाउन बहुत सडनली अनाउंस हुआ। सडनली अनाउंस होने की वजह से बहुत सारे लोग जहाँ थे स्ट्रैंडेड हो गए, और जो जहाँ थे उनमें बहुत सारे डेली वेज अर्नर्स थे जो रोज़ कमाते थे, खाते थे, और इस वजह से उनके पास रिजर्व्स नहीं थे कि जिससे कि वो लास्ट हो सके। उनके पास पैसे एक्स्ट्रा नहीं थे जिससे वो खा सके। बहुत सारे लोग हैं हमारे सोसाइटी में जो बॉर्डर लाइन पे जीते हैं, जिनके पास सरप्लस नहीं होता है, बल्कि वो उनका मामला ऐसा होता है कि रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, कर्जे ले लेके ज़िंदगी गुजारते हैं। अब ऐसे कई सारे लोगों के लिए अपने प्लेस ऑफ वर्क पे सर्वाइव करना मुश्किल था। उनके खुद के कैलकुलेशन में ये आया कि अगर वो अपने गांव में होते, विलेज में होते, तो वहाँ पे सर्वाइव करना उनके लिए आसान होता, ये उनके लिए पॉसिबल होता। अब ये जो लॉकडाउन अनाउंस हुआ, हालांकि फर्स्ट केस इंडिया में जनवरी एंड में आ चुका था, लॉकडाउन अनाउंस हुआ 24 मार्च 54 डेज बाद, लेकिन उसके अंदर कुछ घंटों का नोटिस मिला। गवर्नमेंट का कहना है कि उनकी अपनी मजबूरी थी, अल्लाह आलम, अल्लाह नोज बेस्ट, लेकिन हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अनएक्सपेक्टेड, जिसके लिए हम सब प्रिपेयर नहीं थी, कंट्री प्रिपेयर नहीं थी, एक सरप्राइज बात थी, और वो चीज़ क्रिएट हो गई। क्रिएट होने के अंदर हम देखते हैं कि लोग अपने घरों की तरफ पैदल चल पड़े, एक बहुत बड़ा सिलसिला स्टार्ट हुआ। उनमें से कितने सारे लोग कई सारी हार्डशिप से गुजरे, कई सारी डेथ्स हो चुकी है, और ये चीज़ पूरी के पूरी डॉक्यूमेंटेड वीडियोज़ में आ चुकी है। अब यहाँ पर हम भी इसी कंट्री में रहते हैं जहाँ इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन दिनों में क्रिएट हुई, और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सारे वेज अर्नर्स का क्या, जो रोज़ कमाते थे और रोज़ खाते थे, वो लोगों का क्या होगा? उनके लिए खाने का मामला है मुश्किल, और हम देखते हैं कि वो अपने घरों तक नहीं जा सकते हैं, उसमें डिफ़िकल्टीज़ है, वो यहीं पर है अभी। अब उनके लिए प्रोवाइड करना कैसे प्रोवाइड होगा? सेकेंडली हम ये देखते हैं IMF की जो रिपोर्ट है कि वर्ल्ड इसमें जा चुका है रिसेशन में, बहुत से लोगों के जॉब जा चुके हैं। गवर्नमेंट ने तो कहा है कि नहीं, एम्प्लॉयर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे देना है, सैलरीज देना है। एम्प्लॉयर्स की अपनी मजबूरियां हैं, कई सारे लोगों के बिजनेसेस डिफ़िकल्टीज़ में हैं, कितना दे पाएंगे, कितना नहीं दे पाएंगे, कितने लोगों के जॉब चले जाएंगे, वो हम सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के जॉब जा चुके होंगे, बहुत सारे लोगों की सैलरी डिसकंटिन्यू हो चुकी होगी, और बहुत सारे लोगों की आगे के दिनों में होने की एक्सपेक्टेशन है। नॉर्मली जब कोई रिसेशन आता है उसका बैड इफेक्ट कई महीनों तक लास्ट होता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये सिचुएशन के अंदर क्या कर सकते हैं हम सब। मैं आप सबके सामने कुछ थॉट शेयर कर रहा हूँ, और मेरा मकसद ये पूरे सेशन में सिर्फ ये है कि मैं कोई रस्म अदा नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि इस सिचुएशन के अंदर रियल हेल्प की जाए, हम रियल रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सबसे पहले हम कुरान के कुछ वर्सेस देखते हैं। सूरह इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने अपने बंदों के बारे में बताया, सूरह 76 के अंदर वर्स 7-8 के करीब है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वयुतइमूना तुआम अला हुब्बिही, वो जो अल्लाह के जो बंदे हैं वो खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। मिस्कीन व यतीम व असीरा, मिस्कीन को खिलाते हैं, यतीम को खिलाते हैं, कैदी को खिलाते हैं। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, कहते हैं हम तुम्हें खिला रहे हैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शुकूरा, हमें तुमसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया भी नहीं चाहिए। वी डोंट वॉन्ट एनीथिंग इन रिटर्न, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए बदले में, शुक्रिया भी नहीं चाहिए। ये है एटिकेट, खिदमत करने का सही एटिकेट ये है। जैसे लोग बोलते हैं ना, अरे कैसा शख्स है, शुक्रिया भी नहीं बोला, ये लोग होते हैं, वो कहते हैं हमें तुमसे शुक्रिया भी नहीं चाहिए। ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शुकूरा, हमें तुमसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए थॉट। तो इस्लाम ने ये सिखाया है कि हमारे माल में हक होता है, हक जो डिजर्विंग है उनका हक होता है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक वो चीज़ है जो फ़र्ज, ज़कात क्या है, फ़र्ज सदका, वो सदका जो कंपल्सरी सदका है। सदका नफिल सदका भी होता है,
जो नफिल सदका जो हम अपने माल में से ऐसे निकालें और ये पैसा जो है कल हमें बचाने में काम आएगा। पैसे के बेहतरीन चीज़ों में से हैं कि हम किसी की जान बचाने में इस्तेमाल करें, क्योंकि कुरान की आयत है सूरह मायदा सूरह फा आयत नंबर 32, अल्लाह ताला ने फरमाया वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयान्नासा जमीअ, जो एक जान बचा ले तो ऐसा है जैसा कि उसने सारे इंसानों की जान बचा ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसल मोमिन, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो खुद तो पेट भर के सोए वह जा रूह जा जम भी, उसके बाजू में उसका पड़ोसी भूखा है, उसका पड़ोसी बाजू में भूखा है और वो पेट भर के सो रहा है, ये शख्स मोमिन नहीं हो सकता। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि ये ईमान से कनेक्टेड चीज़ है, कि मैं अगर पेट भर के सो रहा हूँ मेरे पड़ोसी के पास खाने के लिए नहीं है तो वो शख्स ईमान वाला नहीं होता है, उसके ईमान से डायरेक्टली कनेक्टेड बात है। ये सारी बातें बताकर चलिए अब मैं आपके सामने पॉइंट ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये याद रखिए कि कोई चीज़ छोटी नहीं है इस्लाम में, कोई चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, कोई चीज़ को ये नहीं सोचना चाहिए इससे क्या होगा। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तहकिरन्ना शैअ मिनल मारूफ, कोई भी नेकी को हकीर मत समझो, कोई भी नेकी है हकीर मत समझो, चाहे अपने भाई को मुस्कुराते हुए मिल रहे हो, मतलब कोई चीज़ में ये मत सोचो इससे क्या होगा, अरे इससे क्या होगा ये मत सोचना। बड़े बड़े काम छोटी शुरुआत से शुरू हुए, अगर वो छोटी शुरुआत को हम लोग हकीर समझेंगे वो छोटा काम बड़ा कभी नहीं बनने वाला। तो ये चीज़ है याद रखिए, और इसके अंदर बहुत अच्छी मिसाल है कि हम लोग देख सकते हैं जो मिसाल हमारे पास बॉम्बे की मिसाल है, ऐसे हमारे एक सिस्टर ब्रदर अशरफ मोहम्मदी की वाइफ ने, उन्होंने कुछ गरीबों का खाना खिलाना शुरू किया था और छोटी सी शुरुआत थी, घर से निकले उन्होंने देखा कि लोगों के पास खाना नहीं है, आज माशाल्लाह एक बड़े पैमाने पर वो काम चल रहा है, छोटी सी शुरुआत। बहुत सारे लोग हैं जो छोटे से स्टार्ट करते हैं और बिग तक बड़े आते हैं मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये मत सोचना इससे क्या होगा। सही बुखारी में हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकुन्नार, अपने आप को जहन्नम की आंख से बचाओ, वलो बिनिस्फ तम्र, चाहे आधा खजूर देकर ही क्यों ना हो। तुम आधा खजूर दे सकते हो, आधा तो दे दो। तो इसमें क्या होता है ना, जब आदमी आधा खजूर देता है तो वो स्टार्ट करता है, वो उन लोगों में था जो कुछ नहीं कर रहे थे, अब वो उन लोगों में आ गया जो कुछ कर रहे हैं, वो उन लोगों में था जो कुछ नहीं दे रहे थे, अब वो उन लोगों में आ गया देने वालों में आ गया, मतलब हाफ खजूर जो होता है ना, ही गॉट स्टार्टेड, शुरुआत हो गई। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये हो गया पॉइंट नंबर वन, कोई नेकी को हकीर नहीं समझना, ये इस चीज़ पे हमें अमल करना है। सेकंड चीज़ ये है कि हमें अपनी चैरिटी को जितना हम ऑर्गेनाइज कर सके उतना अच्छा होगा। आप देखेंगे कि ज़कात की कैटेगरी के 8 लोग दिए हुए हैं, 8। सही कुरान की आयत है सूरह तौबा सूरह 9 आयत नंबर 60 कि ज़कात जो लोगों को दिया जा सकता है इन्नमा सदका लिलफुकरा, सदका जो है फुकरा के लिए, फर्स्ट हक किसका है, फुकरा का है, वल मसाकीन मिस्कीन का है, लेकिन थर्ड जो है वो उस पर मेरा फोकस है वल आमिलीन अलैहा, जो लोग अपॉइंट किए जाते हैं टू एडमिनिस्टर द फंड्स, जो फंड्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं, ज़कात फंड्स कलेक्शन डिस्पर्सन, मतलब क्या, ये जो लोग जो इसके लिए काम करते हैं उनकी सैलरीज का प्रोविजन भी ज़कात में से किया जा सकता है। मैं आप सबके सामने बात क्या रख रहा हूँ, इस्लाम ने एक्चुअली जो मॉडल दिया है ना वो मॉडल है बैतुल माल का मॉडल। बैतुल माल का मॉडल यानी जिसके अंदर लोग जो ज़कात दे सकते हैं उनकी ज़कात कलेक्ट करके बैतुल माल में लाई जाएगी, बैतुल माल में से डिजर्विंग लोगों को दिया जाएगा। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हमारे पास बैतुल माल का सिस्टम नहीं है, और ये जो सिस्टम हमारे पास नहीं है इस वजह से क्या हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ख़ास तौर से ऐसे डिस्ट्रेस के टाइम पर हम लोग ढूंढने में पड़े हैं कि कौन डोनेट करेगा, अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे पास ऐसे फंड्स होते सेंट्रल फंड्स कि हमारे ज़कात के फंड्स कहीं जाते वहाँ से जाकर जो मोस्ट डिजर्विंग है वहाँ तक पहुँचते तो कितना अच्छा होता। देखिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक रियलिटी ये है कि हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल बेगर्स हैं, मतलब जिनका बिजनेस है बेगिंग करना और कमाना। तो ये क्या मामला है, उनकी वजह से डिजर्विंग लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आवाज़ के बारे में कुछ आया, आई होप सबको आवाज़ सुनाई दे रही, कोई एक वेव करो सो दैट आई कैन हियर, क्योंकि किसी का कमेंट है नॉट गेटिंग द वॉइस। तो ज़कात के बारे में हम ये देखते हैं कि बात यहाँ ये है, जज़ाकल्लाह खैर, चलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं सेकंड पॉइंट जो बता रहा था, व्हाट वाज इट, सेकंड पॉइंट ये बता रहा हूँ बैतुल माल। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप अंडरस्टैंड करें कि ये जो फ्रॉड लोग होते हैं ना, इनकी वजह से डिजर्विंग लोगों का हक जा रहा है,
और इस वजह से सही लोगों तक चैरिटी कई बार नहीं पहुंच पाती। मैं आप सबके सामने एक मॉडल यहां मेंशन कर रहा हूं। क्यों मेंशन कर रहा हूं? मेरा एक ख्वाब है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। जज़ाकअल्लाह खैर ब्रदर। ख्वाब क्या है कि हम सब अगर चैरिटी एक जगह कलेक्ट करके डिस्पर्स करें, इसमें बहुत फायदे हैं। भाई एक पर्सन अगर खुद दे रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अब उसको नहीं पता है कि कौन सा फ्रॉडुलेंट पर्सन है, कौन सा रियल पर्सन है। देखिए फ्रॉडुलेंट पर्सन के ताल्लुक से इस्लाम में हमें बात मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन जो शख्स कोई चीज़ मांगता है हाँ, और वो उसका डिजर्विंग नहीं है, तो जा यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन वो आएगा और लैसा फी वजही मुदगतुल लहम, उसके चेहरे पे थोड़ा भी गोश्त नहीं होगा। मतलब जो शख्स डिजर्विंग नहीं होता है और मांग रहा है, तो वो क़यामत के दिन किस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पे कोई भी गोश्त नहीं होगा, ये उसकी सज़ा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जो शख्स मांगता है, फतह अल्लाह लहू बाब मसअलतिन, जो शख्स मांगता है और उसका डिजर्विंग वो नहीं है, तो अल्लाह उसके लिए गरीबी के दरवाजे को खोल देगा। मतलब वो मांग रहा है, उसका डिजर्विंग नहीं है, तो उसके लिए गरीबी का दरवाज़ा खुल जाएगा। अब यहाँ क्या मामला है, होना क्या चाहिए, सुनिए। होना ये चाहिए कि हमारे पास ऐसे लोग हों जो वेरीफाई करे, जो डिजर्विंग है उन तक क्लैरिटी, उनके साथ पास पैसे पहुँचाए। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको पता है होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए कि हमारे पास एक कम्युनिटी ब्लैकलिस्ट सिस्टम होना चाहिए। हम लोगों को कोई एक जगह पे कोई फ्रॉडुलेंट पर्सन मिला, और मालूम है फ्रॉडुलेंट जो लोग होते हैं ना, उनका क्राइम आप इमेजिन नहीं कर सकते। देखिए कुछ लोग इस व्यू के हैं, भाई उनको भी दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात तो समझो क्या हो रहा है। बात ये हो रही है कि ऐसे फ्रॉडुलेंट लोग बच्चों को चुराते हैं, उन्हें बेगर बनाते हैं, उनको भीख मांगने लगाते हैं, उनके हाथ पांव तोड़ते हैं। तो ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बहुत सारे क्राइम की वजह बनती है ये फ्रॉडुलेंट वर्क। इसको स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है, और स्टॉप करने का बहुत इफेक्टिव तरीका है, हमारे पास कम्युनिटी ब्लैकलिस्ट होनी चाहिए। कैसे? अगर इस एरिया में जो लोग हैं वो लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि हाँ ये 100 लोग हैं ना, ये सही लोग नहीं हैं, अब वो ब्लैकलिस्ट पूरी इंडिया में शेयर हो जाए। क्योंकि अगर जो लोग यहाँ ब्लैकलिस्ट हुए हैं वो लोगों के बारे में डेटा हर जगह पे पहुंच जाए। कम्युनिटी ब्लैकलिस्ट ऐप बेस्ड तौर पर ये आसानी से हो सकता है, अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम हो। जैसे आपको मालूम है कुछ साल पहले की बात है कि जो ड्राइवर्स कैटेगरी है ना, ड्राइवर्स, बल्कि आज भी जहाँ पे सिस्टम नहीं है, वो ड्राइवर जो होते हैं ना, वो कस्टमर को कहाँ पे लेके फ़ायदा उठा लेंगे कोई नहीं बोल सकता था। ओला उबर आने के बाद क्या हुआ, ये सारे ड्राइवर्स बहुत ही रेगुलेट हो गए हैं, बहुत पोलाइट हो गए हैं, बहुत उनमें अदब आ गया। कैसे आ गया मालूम है? उनको रेटिंग मिलती है, रेटिंग। मेरा एक ख्वाब ये है कि ऐसा एक सिस्टम हमारे पास होना चाहिए जिसके अंदर हम कनेक्ट करें डोनर को और रेसिपिएंट को, डोनर और रेसिपिएंट को कनेक्ट करें, बीच में वेरिफिकेशन सर्विसेज हो, वॉलंटियर्स हो जो जेन्युइन केस निकाल के दे। ऐसे बहुत लोग हैं जो देना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं किसको दूं, और ऐसे बहुत लोग हैं जो डिजर्विंग हैं, उनकी मदद होनी चाहिए लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाते डोनर से। अगर हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो ओला उबर जैसा, जिसमें हम डोनर और रेसिपिएंट को कनेक्ट कर सकते, और ये जो दरमियान में वेरिफिकेशन सर्विस हो, वो वेरीफाई करके वेरीफाइड केसेस दें, और वो वेरीफाइड केसेस डोनर देखकर कहे अच्छा इतने लोग हम लोग उनको, मैं उनको दे रहा हूँ। इन एनी केस जब तक ये नहीं होता है तो हमारे पास बैतुल माल सिस्टम होना चाहिए। बैतुल माल यानी आपके पास अगर कोई ग्रुप है, एक्टिव है, ईमानदार लोग हैं, सिंसियर लोग हैं, उनको लो आगे बढ़ाओ, उनके ऊपर एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी रखो, ऑडिट सिस्टम रखो, और उनको एम्पावर करो, उनको दो ताकि वो अच्छी तरह से काम करें, उनको सैलरीज भी दो उसमें से। वॉलंटरी तौर पर कुछ वक्त तक कर सकते हैं लोग, और करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो दूसरा काम छोड़कर दिन बार रात यही काम करें तो उनको एम्प्लॉय करना पड़ेगा। तो ज़कात फंड्स में फिर से वो आयत पे वापस आ रहे हैं, वल आमिलीन अलैहा, इसके अंदर क्या है कि जो लोग एम्प्लॉयड है टू एडमिनिस्टर द फंड्स। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपके सामने एम्फेटिकली बात ये रख रहा हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए। अब कैसे हो, आपकी सिटी में कैसे हो, बड़ा प्लेटफॉर्म पता नहीं कब होगा, लेकिन आपकी सिटी में स्मॉल लेवल पे तो कर ही सकते हैं ना, गली गली लेवल पे तो कर ही सकते हैं, शहर शहर लेवल पे कर ही सकते हैं। अगर अभी तक नहीं किए तो अभी करिए, आगे बढ़िए, ऐसे बैतुल माल कायम करिए जिसमें से वेरीफाइड लोगों को खाना दीजिए, अनाज दीजिए, फूड प्रोवाइड करिए उनको, शायद और उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत, मेडिकल एड क्या प्रोवाइड करना है, एजुकेशनल एड, आगे वाले दिनों में डिफ़िकल्टीज़ वाले दिन सामने दिख रहे हैं, ये काम बहुत अच्छी तरह से होना बहुत ज़रूरी है पूरी उम्मत के लिए। तो ये काम अगर हो सकता है, ऐसे चीज़ों को एम्पावर करें।
फिर कोई फ्रॉडुलेंट पर्सन मिले तो उसकी लिस्ट बनाकर कैसे हम सब जगह पे शेयर कर सकें, ये लिस्ट को कैसे वेरीफाई करें ताकि सचमुच वैसा हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर वन, कोई चीज़ को छोटा ना समझे, कोई नेकी को छोटा ना समझे। पॉइंट नंबर टू कि हमारे पास बैतुल माल वाला सिस्टम हो, ये बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर थ्री, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी कंट्री में आज बहुत बड़ा हेट प्रोपेगेंडा चल रहा है। इस्लामोफोबिया इज एट इट्स पीक। आज इंडिया में इस्लामोफोबिया, इस्लाम से नफरत, मुसलमानों से नफरत बिल्कुल पीक पर है। एक ऐसी पीक पर पहुंचा है जो पीक पर पहले कभी बहुत टाइम से नहीं देखा गया है। आज की मिसाल देखिए, न्यूज़पेपर में क्या आया था, द वायर में आर्टिकल आया था कि पंजाब के एक विलेज के अंदर, पंजाब के हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के तरफ एक विलेज में मुस्लिम्स को पूरे गांव से, सब गांव से निकाल दिया गया है। वो लोग पनाह लिए हुए हैं। क्यों? कहा जा रहा है ये लोग कोरोना वायरस इन्फेक्टेड है। अब ये जो इस तरह का इस्लामोफोबिया चल रहा है ना, एक तरफ तो हमें बातें करना है, एक तरफ तो हमें क्लैरिफाई करना है, क्लियर करना है लोगों को, और ये सदका, ये भी सदका है बाय द वे, ये भी सोशल वर्क है, ये बोलना सोशल वर्क है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अमरुम बिल मारूफ सदका व नहयुन अनिल मुनकर सदका, कि अच्छी बात का हुक्म देना सदका है, बुरी चीज से रोकना भी सदका है। सदका चैरिटी, चैरिटी से पैसों से नहीं होती, ऐसे भी होती है, लेकिन साथ साथ में हमें खिदमत खल्क करना है। सूरह फुसिलत के आयत है, सूरह 41 आयत नंबर 34, अल्लाह ताला ने फरमाया इदफा बिल्लती ही आसन, बुरी चीज का जवाब दो अच्छा करके। कोई बुरा कर रहा है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए नफरत फैला रहा है ना, तुम अच्छा करो। फैजल लदी बई नका व बई नहू अदावतन, फिर वो जिसके और तुम्हारे बीच में दुश्मनी थी, कान्नहु वलीउन हमीम, बन जाएंगे करीबी दोस्त, दुश्मन बन जाएंगे दोस्त, करीबी दोस्त। वमा युलक्काहा इल्ला लदीन सबरू, लेकिन ये नहीं होगा सिवाय सब्र करने वालों के साथ। वमा युलक्काहा इल्ला दू हज़्ज़िन अज़ीम, और ये नहीं होगा सिवाय बहुत बड़े खैर पाने वालों के साथ। जो सारे हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आज सड़क पर निकले हुए हैं, खिला रहे ना खाना, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये लोग हैं जो रियली काउंटर कर रहे हैं प्रोपेगेंडा को, क्योंकि एक गैर मुस्लिम है जिसको खाना मिलता है ना, या जो देखता है ये लोगों को सेल्फलेसली वर्क करते हुए, ये उस चीज़ का बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत बेहतरीन फिटिंग रिप्लाई है। जो नफरत फैलाई जा रही है, हम अपने खिदमत से उसको काउंटर करेंगे। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये करना ज़रूरी है, साथ साथ में ये भी ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को कम्युनिकेट भी करें। आप करिए, साथ साथ में लोगों तक भी पहुँचाएँ। देखिए क्या होता है ना, इन्नमल आमालु बिन्निया, आमाल का दारोमदार नियतों पे होता है। कोई शख्स है जो आजकल लोग बोलने लगे, इसीलिए आई एम कवरिंग दिस, लोग ये बोलने लगे कि भाई थोड़ी सी चैरिटी देते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, उनको दिखाने में इंटरेस्ट है। लोगों की नियतों के बारे में बात मत करो, हमें कोई हक नहीं है कि हम लोगों की नियतों के बारे में बात करें। क्यों? नियत दिल में है। अतक्वा हा हुना वशारा इला सदरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तक्वा यहाँ होता है, सीने की तरफ इशारा किया। हम किसी के सीने में क्या, हम क्या बोलेंगे? हो सकता है उनकी नीयत यह है कि ये जो नफरत वाला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उन तक ये बात पहुंचे। हो सकता है कि उनके जो डोनर्स हैं उन तक एक रिपोर्ट पहुंच जाए कि देखो हमने ये काम किया, हमने ऐसे ही नहीं कि रिसीव किया फंड्स, हमने किया। नीयत का अल्लाह पे छोड़ दो। हु आर यू टू टॉक? क्यों बैठ कर लोग ऐसे जजमेंटल बनते हैं? व्हाई कांट दे लीव इट? कम से कम अपने जुबान के शर से महफूज रखो, ये भी एक टाइप की चैरिटी है। मतलब व्हाई कांट वी कीप क्वाइट? अच्छी बात समझ में आए तो बोलो, नहीं तो चुप रहो ना। यही तो सिखाया गया ना, सही बुखारी की हदीस है, फल यकुल खैरन औ लियस्कुत, अच्छी बातें करो ना तो खामोश रहो। ये भी एक टाइप का कॉपरेशन है कि कम से कम अपने शर से तो रोक के रखो, बचा के रखो। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये थर्ड पॉइंट है मेरा, कहना है कि हमें कंट्री में जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है उसको खिदमत करके हमें जवाब देना है, और खिदमत में विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड। इस्लाम ने क्या सिखाया? वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया नासा जमीअन, जिसने एक जान बचाई उसने ऐसा है जैसे सारे इंसानों की जान बचाई। इसके अंदर जान में ये नहीं दिया गया जिसने एक मुस्लिम की जान बचाई, इसमें दिया गया जिसने एक जान बचाई। कोई भी जान हो, जान है ना, खत्म। जान बचाना बहुत बड़ा अजर है, और इसमें ये मत देखो ये मुस्लिम है, हिंदू है, मदद करो बस, उसकी मदद करो, खाना खिलाओ, अनाज की ज़रूरत है अनाज दो, और मोहब्बत से दो, प्यार से दो, अच्छे अल्फाज के साथ दो, हकारत के साथ, जलील करके मत देना, ऑनर करके दो, इज्जत से दो। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, ये भी चैरिटी है। तो हम ये देखते हैं कि ये हो गया पॉइंट नंबर थ्री, और इसको मैं कोई बुरा नहीं समझता हूँ कि ये इंटरनेट पे भी लाया जाए ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि मुस्लिम कम्युनिटी इतनी बड़ी खिदमत कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है कि ये लोग क्या करते हैं क्या करते हैं, पता चले कि ये लोग खड़े हैं आज। और मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत सारी शक्लें हैं, आज बहुत सारी इसमें तरीके हैं जिस तरीके से हम ये कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टेज था खाने का,
अभी भी खाने का स्टेज है, फिजल आउट नहीं होना चाहिए, याद रखना, फिजल आउट नहीं होना चाहिए, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है लेकिन मैं उस पर आता हूँ। जमे रहो, एक तरीके, एक चीज़ है खाना, एक चीज़ है अनाज, क्योंकि एक है फ़ुकरा, एक है मसाकीन। फ़ुकरा कौन? जिनके पास कुछ भी नहीं है, फ़कीर है। मसाकीन जिनके पास है लेकिन ज़रूरत पूरा करने जितना नहीं है, पका सकते हैं, किचन है उनके पास, घर है उनके पास, अनाज नहीं है, उनको अनाज देना है। मेडिसिन रिक्वायर्ड है, मेडिसिन देना है। आज आपको पता है क्वारंटाइन फैसिलिटी का क्या हाल चल रहा है? क्वारंटाइन में जो लोगों को रखा जा रहा है, क्वारंटाइन फैसिलिटी, कल की रिपोर्ट है, देख लीजिए न्यूज़पेपर में, कोलकाता की रिपोर्ट आई है कि क्वारंटाइन जो फैसिलिटी है उसके अंदर जो लोगों को भर भर के रखा गया है क्वारंटाइन, तो इतनी इनह्यूमन कंडीशन है, टॉयलेट्स कितने कम, इतने सारे लोग रखे हुए हैं। तो यहाँ पे अभी क्या चाहिए? अभी क्वारंटाइन स्पेस भी चाहिए। अगर आप सब जितने लोग सुन रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट में कोई ऐसी जगह है जो जगह दे सकते हैं क्वारंटाइन के लिए, तो दीजिए। स्कूल है, कोई कम्युनिटी हॉल है, मैरिज हॉल है, जमात खाना है, क्या है आपके पास, उसको दे सकते हैं जगह क्वारंटाइन के लिए, कि भाई लोगों को क्वारंटाइन रखने, मतलब अलग रखने के लिए जो जगह चाहिए बीमारों को, तो वो जगह आप प्रोवाइड कर सकते हो तो करो। ये भी बहुत बड़ी खिदमत है। आज कैसे कर सकते हो, करो। उसी तरह आप देखिए कि आज आपको एक बहुत बड़ी हेल्थ क्राइसिस सामने दिख रही है, बहुत बड़ी हेल्थ क्राइसिस। मेरी एक वीडियो आज ही पब्लिश हुई है, उसके अंदर मैंने दो लिंक्स दिया है आई प्लस टीवी पे, कोई अगर वहां से कॉपी करके यहां डाल दे पेस्ट लिंक को तो देख सकते हैं आप। उसके अंदर फेसबुक पे अभी पब्लिश हुई है कुछ देर पहले, उसमें मैंने दो लिंक्स दिया है कोर्सेज के, जो पैरामेडिक के कोर्सेज है, पैरामेडिक डेढ़ दो महीने के कोर्स। अगर आप ये डेढ़ दो महीने का कोर्स कर सकते हो सकता है कल किसी की जान बचाने में आप जरिया बन सकते हो पैरामेडिक कोर्स करके, क्योंकि एक बहुत बड़ी मेडिकल क्राइसिस हो सकता है सामने है। जैसे दूसरी कंट्रीज में हुआ, ऐसा हो सकता है इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन के साथ यहां भी हो सकता है, तो बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं, ये कोर्स कर सकते हैं डेढ़ दो महीने का, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। उसी तरह क्या चीजें हैं, देखिए व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द नीड, वो देख कर करिए। तो इस चीज के अंदर आज क्या क्या चीजें हैं वो देखिए, उसमें आप खड़े हो जाइए। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर थ्री। पॉइंट नंबर फोर, जो काम करना है कंसिस्टेंटली करना है, मूडी होकर सोडा वाटर की तरह नहीं करना है। सोडा वाटर की तरह भी अच्छा है लेकिन फिज नहीं गायब हो जाना चाहिए, मतलब स्टार्ट होके बूम शुरू हो जाओ। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अहब्बुल आमाल इलल्लाह, सबसे पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक, मा दुबी मा लही वइन कल्ला, वो है जिसमें दवाम है, हमेशगी है, कॉन्स्टेंसी है, चाहे थोड़ा सा क्यों ना हो। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसके अंदर मेंटेन करना है, उसका टेम्पो मेंटेन करना है, फंड्स भी मेंटेन करना है, डोनर्स भी कई बार थक जाते हैं, तो इसमें आगे बढ़िए, नेक काम में रुकिए मत, क्योंकि क्राइसिस सामने है, जब तक नीड है तब तक खड़े रहिए। तो इस चीज में चाहे कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, आप खड़े हैं अल्लाह के लिए, आप वो कर रहे हैं अल्लाह के लिए, इसमें लगे रहिए इंशाल्लाह। और इस चीज के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। एक बात याद रखिए कि कोई चीज जो रेगुलर होती है ना, उसका फायदा बहुत असरदार, बहुत दूर तक जाता है। जो चीज के अंदर टेम्प्ररी तौर पर करके फिर लोग भूल गए, भाई नीड है अभी भी लेकिन अभी नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए क्या होता है, ईमान जो है ना, जज्बा जो होता है ना, पीक्स पे पहुंचता है फिर डिप भी होता है। हमारे साथ ऐसा ही, इंसानों के साथ ऐसा है, उसको फिर से मोटिवेट करना होता है, पूरी टीम का जज्बा डाउन भी होता है, कुछ लोग उसको मोटिवेट करें उनको, ये एक फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट, एक कायदा है इस्लामिक फिक का, वो है अल अहम फल मुहिम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, मतलब प्रायोरिटाइज क्या चीज की जरूरत है, कहां जरूरत है। अब आप हो सकता है कोई वेल्दी टाउन में हो, आपको कोई गरीब डिजर्विंग नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप कोई वेल्दी एरिया में रहते हो, आपको कोई नहीं मिल रहा है, देखो कहां पे जरूरत है, कहां पे ऐसे लोग हैं जो डिजर्विंग है, वहां पे आप जाइए। आप नहीं जा सकते हैं तो दूसरों को पहुंचाइए। कहां पे? मिसाल के तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज की मिसालें हैं कि ऐसे लोग जो क्वारंटाइन में जहां बंद हो जाते हैं, और मैं आपको बॉम्बे की रिपोर्ट बता रहा हूं, यहां पे बाज ऐसे आप देखिए आपके कॉम्प्लेक्सेस है पूरी तरह से लॉकडाउन में हो गए क्वारंटाइन में, मतलब उनके लिए बाहर जाना अलाउड नहीं है। उनका कोई रिश्तेदार है जो उनके लिए खाने पीने की चीजें लाके दे सकता है, गेट तक, अंदर नहीं आ सकता। ऐसे हैं फॉरेन कंट्रीज की तो मिसालें हैं, और आप देख सकते हो वीडियोस इंटरनेट पर कि किस तरह से मुस्लिम वॉलंटियर्स ने आगे बढ़कर ये काम किया, और जहां पे क्वारंटाइन में लोग खाना नहीं है उनको जाकर उनकी ग्रोसरीज परचेज करके लाके दे रहे हैं उनको, उनका कोई काम है, एरेंड है, वो लोग पैसे भी देने तैयार होते हैं, लेकिन कोई करके देने वाला चाहिए। हो सकता है आपके अड़ोस पड़ोस में कोई कॉलोनी को लॉक किया गया है, मालूम करो उसमें अगर कोई है जिसको कोई चीज़ चाहिए, जाके पहुंचाइए मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आगे बढ़िए। अच्छा आपको ये बात बता दूं,
कि अगर आप इस चीज़ में ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो ना, तो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन रखना। जैसे मान लो मिसाल के तौर पे एक पुलिस वाले की मैं मिसाल देता हूँ कि पुलिस वालों को सेल्फ क्वारंटाइन रखना पड़ता है अपने आप को, वो घर जाते तो भी अपनी फैमिली के साथ नहीं मिक्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा ही आप एक्सपोज हो रहे हो तो अपनी फैमिली को इन्फेक्शन के लिए एक्सपोज मत करिए, दूर रहिए उनसे। लेकिन कुछ तो लोग चाहिए ना जो करेंगे ऐसा, हर कोई अगर अपने आप को बचाए तो फिर बाकी क्या होगा सबका। तो मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स, आई इनकरेज यू कि आप आगे बढ़ें। क्या ज़रूरत है? देखिए, अगर आपके कान और नाक, कान और आँखें और कान खुले हुए आप देख रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जहाँ लोगों को ज़रूरत है। ये ऐसा वक्त चल रहा है जो एक ट्रायल्स का वक्त है, एक मुश्किल का वक्त है। ऐसे वक्त पर अगर हम सब मिलकर इस चीज़ के लिए खड़े होते हैं तो दिस विल बी अ वेरी बिग थिंग। हम सबको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। आई इनकरेज यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप क्या कर सकते हो ज़रूर करिए। लास्टली, अगर आप किसी का कोई सवाल हो ये टॉपिक पर या सजेशन हो तो आप जल्दी से यहाँ डालिए। हम फ्यू मिनट्स, जितनी मिनट्स बची हैं हम वो यूज़ करेंगे फॉर क्वेश्चन आंसर इस टॉपिक के ऊपर। आपके सामने लास्ट में एक वर्स पढ़ के ख़त्म करता हूँ, और वो ये है कि ये जो हम कर रहे हैं ना, इसका असल मकसद क्या है? आखिरत, कयामत का दिन। ये जो सारी नेकियाँ हैं ना, कल पहाड़ के पहाड़ नेकियाँ बनके हमें मिले। इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यात, नेकियाँ गुनाहों को काटती हैं। हम सब इंसान हैं, हम सब से खताएँ होती है। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम के कुल इब्ने आदम खता, आदम की सब औलादों से खताएँ होती हैं। मुस्नद अहमद की सही हदीस है, आपसे भी हुई होगी। लेकिन ये जो नेकियाँ हैं ना, वो गुनाह को कट करती हैं। कल तराजू में जब हम देखेंगे ना ये सब नेकियाँ, ये सब गुनाह, तो उसमें ये सब चीज़ें काउंट होती है। अपनी नीयत को खालिस रखिए, सिर्फ अल्लाह के लिए, कोई और चीज़ के लिए नहीं, किसी और के फ़ायदे के लिए नहीं। कोई और कुछ देने वाला भी नहीं है, कयामत के दिन काम भी नहीं आएगा। हर कोई हमें सिर्फ दफन करके चले आएंगे कब्र में, लेकिन यहाँ पे अगर हम करेंगे तो अल्लाह उसका अजर देगा। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको मैं इंकरेज करता हूँ कि इस चीज़ में आगे बढ़िए, थियोरी से आगे एक्शन। मैंने कई बातें की, कुछ बातें कुछ लोग कहते हैं ये क्या बात कर रहे हैं, ये नेटवर्क बन जाए, जो बैतुल माल वगैरह के ताल्लुक से मैंने बातें कही, इट्स अ ड्रीम है ना। लोग बोलते हैं कि ये सब बातें हैं। मैं आपसे कहता हूँ, बातें तो करने दो कम से कम, कम से कम बात तो करने दो, कम से कम तमन्ना का इजहार तो करने दो। आपको एक मिसाल देता हूँ, एक वक्त था कि कोई इस्लामिक स्कूल नहीं मिलती थी, हाँ कोई इस्लामिक स्कूल नहीं मिलती थी, लेकिन हम लोग उस ज़माने में बात करते थे इस्लामिक स्कूल होनी चाहिए, होनी चाहिए, इस्लामिक स्कूल में डालो बच्चों को। तो लोग बोलते थे अरे इस्लामिक स्कूल है नहीं तो कहाँ से डालें। तो हम कहते थे बात कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। फिर एक वक्त आया आज कि हर थोड़े किलोमीटर पर एक इस्लामिक स्कूल अवेलेबल है बॉम्बे में, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हुआ? बात करें तो, बात करने दो, तमन्ना का इजहार करने दो, हो सकता है ये सारी चीज़ें पूरी भी होगी आने वाले दिनों में। ज़्यादा से ज़्यादा करिए, बैतुल माल का अगर प्लान भी अपनी एरिया में पूरा कर सकते हो, कहीं कर सकते हो तो करिए, आगे बढ़िए। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सवाल ले रहा हूँ, 40 करोड़ में आप 1000 लोगों को देख रहे हो, फिर क्या हुआ? कि नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड। बैतुल माल का सिस्टम क्या है? किया जाए, ओके, हाँ बिल्कुल किया जाए। पैरामेडिकल के कौन से कोर्स अच्छा है? दो लिंक्स हैं, मैंने आई प्लस टीवी के फेसबुक पेज पर, जो अभी मेरा वीडियो गया है थोड़ी देर पहले, उसमें डाला है। मेरे पास अभी ऑन द स्पॉट नहीं है और मैं डाल नहीं सकता। नेक्स्ट आप लोग वो देख सकते हैं, और भी इंटरनेट पर सर्च करिए, लेकिन ये जो दो कोर्सेज है, KEM हॉस्पिटल के एक बहुत सीनियर डॉक्टर ने रेकमेंड किया है। कोरोना से मरने वालों को गुस्ल और नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी? नमाज जनाजा बिल्कुल पढ़ी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं कि पढ़ी जाएगी। नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, कोई नहीं पढ़ेगा तो सब लोग गुनहगार हैं। लेकिन गुस्ल के ताल्लुक से आपको पता है कि कोई बर्नड केस आता है ना, जो बर्नड केस, जिसका जिस्म जल गया है, उसको क्या करते हैं गुस्ल में? पानी डालने से कभी ऐसा लगता है कि पूरा जिस्म बह जाएगा, उसके अंदर क्या करते हैं? तयम्मुम करते हैं। तयम्मुम में क्या करते हैं? जैसे आपको पता है ना, हैंड पे मिट्टी लगाकर ग्लव्स के थ्रू फेस एंड हैंड्स पे रब करते हैं। अब यहाँ पर जो उनको बैकपैक में पैक करके दिया जा रहा है, वो उस पैक के ऊपर से तयम्मुम करते हैं, और ये मजबूरी की सिचुएशन है, अल्लाह नोज इट। तो वो गुस्ल का सब्स्टिट्यूट हो गया, गुस्ल नहीं, ऐसा नहीं हुआ, गुस्ल का सब्स्टिट्यूट हो गया तयम्मुम। तो तयम्मुम करेंगे इंशाल्लाह, और जनाजे की नमाज होगी, तदफीन होगी, और हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सब, मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर एक चीज़ जैसे सुनने में आई थी कहीं पर कि भाई कब्रिस्तान में मना कर दिया, अगर कहीं ऐसा हो तो कोई ब्रदर है, कोई शहर की बात कर रहा हूं मैं, कोई ब्रदर है जिनके पास ज़मीन हो और ज़मीन के अंदर वो ब्यूरियल का अरेंजमेंट कर सकते हैं, हाँ अरेंज कर सकते हैं, तो करिए इंशाल्लाह, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। ये भी एक नीड है। क्या नीड है देखिए और आगे बढ़िए। जो आप देंगे ना, फहुआ युखलिफू, अल्लाह वो चीज़ बदले में देगा, एक के बदले में 700 देगा। चलो नेक्स्ट, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम, बिल्कुल इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, ताकि ये जो सिस्टम जो कोलैप्स हो रहा है ना, इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, इसका सब्स्टिट्यूट है एक्चुअली इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम। आज आपको पता है
कि ये क्वार्टर की क्या बात है, ये जो लास्ट क्वार्टर था उसकी क्या बात है। नॉर्मली जो अक्टूबर से मार्च का पीरियड होता है ना, लास्ट हाफ की बात कर रहा हूं मैं, अक्टूबर से मार्च का जो पीरियड होता है उसके अंदर बैंक्स के पास पैसे कम होते हैं, उनको रेपो रेट पे बोरो करना पड़ता है आरबीआई से। इस बार क्या हुआ था, बैंक्स के पास सरप्लस फंड्स थे, कई लाख करोड़ बैंकों के आरबीआई को दिए हुए थे रिवर्स रेपो पे। क्यों? क्योंकि बिजनेसेस डाउन है, लोग बोरो नहीं कर रहे थे, कंज्यूमर स्पेंडिंग डाउन थी, अब उनके पास पैसे हैं, उनको इंटरेस्ट जेब से देना पड़ रहा था। इकोनॉमिक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ये एक बैड निशानी होती है, अच्छी निशानी नहीं होती है इकोनॉमिक्स के तौर पर, इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक्स के तौर पर। लेकिन इसका सलूशन क्या था, इस्लामिक बैंकिंग रिस्क शेयरिंग बेसिस पर। इसमें क्या होगा, बहुत सारी चीजें, एक बहुत बड़ा डिस्कशन है, उसका डिटेल में अभी नहीं जा सकता हूं। तिजारत के इस्लामी उसूल नाम की एक वीडियो सीरीज है मेरी, आप वो देख सकते हैं इंशाल्लाह, उसके अंदर मैंने लिया है। एक भाई अब्दुल रहीम भाई का सवाल है, मेरे भाई इसका पूरा पहलू देखने को फॉरेन जमाती आए, गवर्नमेंट के वीज़ा पे आए, प्लेन से आए, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी उनको एयरपोर्ट से। यस, बिल्कुल सही आपने जो कहा है, बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, और गवर्नमेंट को ये जो फ्लाइट्स को रोका गया, कब रोका गया, मार्च 13th, इससे बहुत पहले रोक देना चाहिए था, बहुत पहले रोक देना चाहिए था। आप देखेंगे कि कोरोना वायरस का दिसंबर एंड में स्टार्ट हो चुका था चाइना से, और फिर भी फ्लाइट्स आ रही है जनवरी फरवरी के अंदर, तकरीबन 21,33,000 फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आए, 21,33,000 फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आए। अब आप सोचो इतने सारे टूरिस्ट आए, और यहाँ पे तबलीग जमात के इज्तिमा के अंदर 1300 थे, 1300 वो 1300 से पूरे इंडिया में इतना कोरोना वायरस फैला, तो 21,33,000 से कितना फैला होगा। यकीनन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, गवर्नमेंट अपनी भी मिस्टेक्स देखें, जिस तरह से किसी की मिस्टेक पॉइंट आउट करते हैं तो खुद की मिस्टेक्स भी पॉइंट आउट करें। और सही बात है, इसको कम्युनल इशू बना करके बहुत नफरत फैलाने का की वजह बनाई जा रही है। और राजस्थान में इस्लामिक स्कूल नहीं है, जी हाँ, आप करिए, आप, हम लोग हर जगह नहीं पहुंच सकते, आप करिए, और हम लोग अब सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, कुछ मिसालें कायम है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी चीज़ें, आज तो सिलेबस भी मिल जाता है, आज उतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। सिस्टर आलिया ये क्वेश्चन पूछ रही हैं कि इज़ देयर एनी फाउंडेशन वेयर वी कैन सेंड मनी एंड हेल्प पुअर पीपल। आप खुद देखिए, एज आई सेड अल हम फल मुहिम, इसमें कायदा क्या है, ज़कात का पैसा तो खजू मिन अग्नियाहिम व तुरद्दु इला फुकराहिम, उनके अमीरों से लेकर उनके गरीबों को दिया जाएगा। सबसे पहला हक आपके एरिया के गरीबों का है, सबसे पहला हक आपके पैसे पे आपके एरिया के गरीबों का है। आप देखिए कि आपकी सिटी में जहां कहीं आप है, कौन सा ऐसा फाउंडेशन है जो अच्छा काम कर रहा है, उनको दीजिए। और आई थिंक मैंने वाइफ ऑफ दीन, ये क्या है, वाइफ के तरफ से कैसे लाए, आई डोंट अंडरस्टैंड, शायद आपका ऑटो करेक्ट जो होता है ना उसके अंदर कुछ मीनिंग चली गई। ब्रदर का जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, दिस इज ब्रदर मिनहाज अंसारी, आप अपने सवाल को करेक्ट कर सकते हैं तो करिए। कोरोना से मरने वाला क्या शहीद है, अगर ईमान के साथ मरता है, ईमान के साथ, और अगर मर रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर ईमान नहीं है तो अल्लाह उसका फैसला करेगा। हम किसी के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते, उसके लिए वही चाहिए। आई एम नॉट वर्किंग फॉर माई कंपनी सिंस लॉकडाउन, कैन आई टेक सैलरी फ्रॉम देम। देखिए, अगर आपकी कंपनी आपको दे रही है ना तो लीजिए, ये एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में आता है कि अगर कंपनी बम्पर अगर करे, परफॉर्मेंस बम्पर कमाए, तो आपको डबल सैलरी देगी। नॉर्मली जो आपके एम्प्लॉयमेंट टर्म्स है वो हिसाब से ही देगी नॉर्मली। हाँ, बोनस वगैरह कभी साल में एक बार वगैरह होता है वो अलग, लेकिन नॉर्मली नहीं देगी। तो यहाँ पे अगर आपको दे रही है कंपनी तो अच्छी बात है, लीजिए। अगर वो हार्डशिप में है और अगर आप कुछ साथ दे सकते हो तो आपकी पर्सनल बात है। शादाब मजहर का है, कैन वी डोनेट इंटरेस्ट मनी इन रेशन ऑफ फूड टू नीडी पीपल। इंटरेस्ट मनी का इतना याद रखिए कि टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, मैं बस 3-4 मिनट में खत्म करूंगा, 4-5 मिनट में। इंटरेस्ट मनी का इतना याद रखिए कि इंटरेस्ट मनी मुद्दतौर किसे कहते हैं, बहुत मजबूर को कहते हैं। मतलब जैसे मरते हुए शख्स के लिए खिंजीर का गोश्त, पिक का गोश्त खाना हलाल है ना, जितना जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, उसी तरह उसे इंटरेस्ट पैसा भी दिया जा सकता है मरते हुए शख्स को जो बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन में है, या पुअर नॉन मुस्लिम को भी दिया जा सकता है। बाकी कैटेगरीज में इख्तलाफ है तो वो है, और इसका सवाब नहीं मिलता है। क्यों? इन्नल्लाह तय्यिब ला यक़बलु इल्ला तय्यिब, अल्लाह पाक ऐसे पाक को कबूल करता है, ये बात याद रखिए। लेकिन आप ऐसे डिजर्विंग चीज़ों में, मजबूरी वाली सिचुएशन में दे दें। ज़कात का निसाब सिल्वर के अकॉर्डिंग और गोल्ड के अकॉर्डिंग, ओके, तो किसका करना चाहिए, जिस चीज़ में गुरबा का ज़्यादा फायदा है वो करना चाहिए। मतलब दोनों का कैलकुलेट करिए, जिस चीज़ से ज़्यादा ज़कात निकलती है वो निकालिए। और ये बात बता दूं मैं कि पैसा जो है ना, पैसा उसको सोने में कन्वर्ट करेंगे, चांदी में कन्वर्ट करेंगे, उसमें कन्वर्ट करिए जिससे ज़्यादा ज़कात निकलती है। ऑनलाइन बिजनेस के लिए GST रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, आप देख लीजिए, नॉर्मली तो ज़रूरी है लेकिन छोटे बिजनेस के लिए अलाउड है, वो भी देख लीजिए रूल्स और वो फॉलो करिए। सर, हम किसी की हेल्प करने को
मीडिएटर के थ्रू हमारी बड़ाई दुनिया ओके 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 ये भाई का सवाल है शुएब सैयद का कि अगर हम किसी की मदद करें और लोग हमारी तारीफ करें तो फिर हमारे गुनाह का क्या मतलब, वो जो है ना कि नेकी गुनाहों को काटती है। आप अपनी नियत अल्लाह के लिए रखो, कोई तारीफ करे या नहीं करे तारीफ के लिए नहीं कर रहे हो आप अप्रिसिएशन के लिए नहीं कर रहे हो, आप अल्लाह के लिए कर रहे हो। आपकी नियत अल्लाह के लिए, अल्लाह जानता है, किसी के बोलने से कोई नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अल्लाह की तरफ से सर्टिफिकेट है। घर के अंदर अगर 8 से 10 लोग हैं तो जुमा की नमाज खुतबा देकर जुमा की नमाज पढ़ सकते हैं। भाई याद रखो, अगर ज्वाइंट फैमिली में रहते हो ना तो ज्वाइंट फैमिली भी अलग अलग रहो, डिस्टेंसिंग, सब एक दूसरे को एक्सपोज मत करो। अगर एक्सपोज हैं तो फिर नहीं होना चाहिए था, अलग अलग रहो, हर फैमिली अपने अपने रहे। अब जुमा नमाज पढ़े कि ना पढ़े, जुमा मकसद है जमा होना। होता क्या है ना, जब जुमा हो रही है ना सब लोग, बाद में पड़ोसी भी आ गए, बिल्डिंग में हो रही है, फिर क्या हुआ, लॉकडाउन का मकसद ही फेल हो जाता है। इसी वजह से स्कॉलर्स ने इसके बारे में यही कहा है कि जोहर की नमाज ही पढ़ना चाहिए बेहतर। हालांकि कुछ इख्तलाफ भी है लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉगर ओपिनियन यही है, जोहर की नमाज पढ़ें जुमा के दिन भी। क्या ज़कात के पैसे से राशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ज़कात के अंदर मोस्ट डिजर्विंग कैटेगरी फुकरा मसाकीन है, फर्स्ट टू ओके, लास्ट दो चीज़। मकसद हमारे तारीफ ओके हो गया। ये पीपल आर लूटिंग मनी ऑन द नेम ऑफ इस्लामिक स्कूल्स इन हैदराबाद। ब्रदर्स आपको चॉइस से ले रहे हैं कि वो फोर्स करके गन सर पे रखे लिए, आप चॉइस से गए कि नहीं गए? तो जब चॉइस से गए तो इनमल बैउ अन तरादिन, तिजारत होती है रजामंदी से होती है, रजामंदी मतलब आप अगर राजी हो तो ही ना, तो कुछ कोई अगर किसी ने अगर वो स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, प्राइवेट स्कूल है, वो सोशल सर्विस नहीं बोल रहे हैं उनका वो है, और कोई अगर आप चाहते हैं कि कम बजट वाली हो तो आप लोग शुरू करिए ना इंशाल्लाह। इस्लामिक स्कूल कम बजट वाली भी होनी चाहिए, कोई प्रीमियम शुरू कर रहा है उसको भी शुरू करने दो, जो राजी है देने तैयार है तो वो हलाल है, बिजनेस का उसूल है ये। इसके अंदर हमें किसी भी चीज को, कम से कम इस्लामिक कॉजेस को बुरी वर्ड्स के साथ बदनाम नहीं करना चाहिए। क्या हम घर में कल जुमा कायम कर सकते हैं? मैंने बता दिया उसका जवाब। चलिए एक मसला है, 40 पैसे पर्सन चाहिए। नहीं, जुमा के लिए एक्चुअली सही बात तो यह है कि जितने लोगों से नॉर्मल नमाज होती है उतने लोगों से जुमा की नमाज भी होती है। इख्तलाफ है स्कॉलर्स का, कुछ लोग कहते हैं 3 होना चाहिए, कोई कहता है कि 2 से भी हो जाती है, लेकिन अक्सर जो स्ट्रॉन्गर ओपिनियन 3 का है। लेकिन आप सबसे ये कह रहा हूँ कि जुमा का असल जो मकसद है ना जमा होना, वो मकसद नहीं होता है अचीव। एंड डोंट वरी, अल्लाह हमारी नीयतों को जानता है। याद रखिए, मैं ऐसी हदीस के साथ खत्म करता हूँ कि जब हम सफर पर आते हैं, मुसाफिर होते हैं ना, तो हमारा नॉर्मल में कितनी नमाज पढ़ते थे उतना लिखा जाता है अजर। बीमार है जो नॉर्मल में क्या नमाज पढ़ते थे वो अजर लिखा जाता है, नफिले नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसी तरह यहाँ मजबूरी के तहत जो है अल्लाह ताला के पास जो हम नॉर्मली जो जमात से नमाज पढ़ते थे, जुमा में जाके बैठते थे, वो सब लिखा जा रहा है, बिकॉज ये हमारी मजबूरी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको आफियत में रखे, प्रोटेक्ट करे, अल्लाह ताला इस लॉकडाउन के पीरियड को आसानी के साथ गुजार दें, मुस्लिम उम्मा की अल्लाह हिफाजत करे, और पूरे इंडिया के अल्लाह ताला को अल्लाह ताला सारी परेशानियों से बचाए, दुनिया के लोगों की भी परेशानियां दूर करें। आमीन। वाखर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।